नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिससे कि इंटरनेशनल लॉ जो लिया जाता है और फिर उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा अप्लाई किया जाता है सर्टन सिचुएशन या केस लॉ में। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं इंडिया की। अगर इंडिया में मान लो किसी कोर्ट को अगर क्रिमिनल केस से डील करना पड़ेगा तो उसे बड़ी ऑब्वियस सी बात है उसे आईपीसी से मदद लेनी पड़ेगी, उसे सीआरपीसी से मदद लेनी पड़ेगी और उसे एविडेंस एक्ट से मदद लेनी पड़ेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सोर्सेस हैं। उसी तरह से दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको वो सोर्सेज यानी कि वो जो मदद है वो कहाँ से मिलती है उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दोस्तों जो हमारे पास आर्टिकल है वो है 38 ऑफ द ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस आर्टिकल में दोस्तों हमें बताया गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब कोई केस को डील करेगा, जो कोई इस तरह की सिचुएशन जो इसके पास आती है उसको डील करता है, तो उसमें वो किन किन चीज़ों की मदद ले सकता है, वो कौन कौन से सोर्सेज होगी जहाँ से वो लॉ को लेकर और उस सिचुएशन पे अप्लाई या उस केस पे अप्लाई कर सकता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो सिचुएशन है हमारे पास वो है आर्टिकल 31A के अंडर है इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिनको ट्रिटी प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास इंटरनेशनल कस्टम, तीसरा है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय द सिविलाइज्ड स्टेट, उसके बाद डी है हमारे पास दोस्तों जुडिशियल डिसीजन और ज्यूरिस्टिक वर्क, और उसके बाद है दोस्तों डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये 38 का पार्ट नहीं है, ये 38 से अलग है। उसके बाद है आर्टिकल 38(2) एक्स एक्यू एट बोनो इनजस्टिस एंड गुड फेथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इंटरनेशनल कन्वेंशन को। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है दोस्तों। इसको इसलिए भी इसको माना जाता है क्योंकि इसमें जितनी भी नेशंस होती हैं, जितनी भी कंट्री होती हैं, वो खुद आती हैं, खुद अपनी कंसेंट से कन्वेंशन को साइन करती हैं, उसका मेंबर बनती हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि कंसेंट मेक द लॉ, कंसेंसस एड इडम, तो उसी तरह से इसकी वैलिडिटी जो है सबसे सुप्रीम या सबसे सुपीरियर मानी जाती है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे पास जो ट्रिटीज़ हैं वो भी आ जाती हैं, कन्वेंशन जो जिन्हें कहा जाता है वो भी आ जाती हैं, प्रोटोकॉल जो होते हैं हमारे पास, पैक्ट एग्रीमेंट जो इंटरनेशनली किए जाते हैं वो सभी इसके अंडर आते हैं दोस्तों। जनरली हम इसको ट्रिटी कहते हैं दोस्तों। तो ट्रिटी क्या है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन जो दी गई है वो आर्टिकल 2 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रिटी 1969 में दी गई है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि ट्रिटी एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में होता है जो कि इंटरनेशनल लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रिटी जो है दोस्तों वो दो तरह की हो सकती है, एक तो है दोस्तों लॉ मेकिंग ट्रिटी और दूसरी है ट्रिटी कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा एक लॉ मेकिंग ट्रिटी और दूसरा ट्रिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। और लॉ मेकिंग ट्रिटी जो है वो फर्दर दो तरह से डिवाइड हो जाती है। लॉ मेकिंग ट्रिटी जो है दोस्तों उसको फर्दर जब डिवाइड किया जाता है तो वो हो जाती है एक तो ऐसी ट्रिटी जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन जिसकी होती है, एक ऐसी ट्रिटी जिसे सिर्फ इंटरनेशनल ट्रिटी सिंपली कहा जाता है। इसमें दोस्तों जो फर्स्ट ट्रिटी है यानी कि वो ट्रिटी जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी कि पूरे ग्लोबल में एप्लीकेशन होती है, वो ट्रिटी जो है दोस्तों उसका बेस्ट एग्जांपल है यूएन चार्टर, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है या जिसे हम सिंपली संविधान भी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस का, उसका जो चार्टर है दोस्तों वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है यानी कि वो सभी देशों पर समान रूप पर लागू होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जबकि हम इंटरनेशनल ट्रिटीज़ की बात करते हैं दोस्तों तो इंटरनेशनल ट्रिटी जो है वो थोड़ा डिफरेंट आ जाती है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों 1958 की जिनेवा की जो कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ सी, ये सिर्फ बात करती है लॉ ऑफ सी, इस पर ही बात करती है, बाकी चीज़ों को ये डील नहीं करती है, तो ये स्पेसिफिक डीलिंग करती है। तो ये है दोस्तों हमारे पास दो तरह की ट्रिटी, एक तो जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है जिसका यूनाइटेड नेशन चार्टर है, और दूसरा जिसे इंटरनेशनल ट्रिटी कहा जाता है, जैसे हमारे पास कई कन्वेंशन हैं अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरह से, वो सारी जो है वो इंटरनेशनल ट्रिटी के अंदर आती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो दोस्तों लॉ मेकिंग ट्रिटी है ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी देश का लेजिस्लेशन, यानी कि जैसे हम अपने देश यानी इंडिया में पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, ठीक उसी तरह से जो लॉ मेकिंग ट्रिटी है वो जो है वो बनाई जाती हैं देशों के बीच में, और इसका रोल भी वही है जो हमारे देश में लेजिस्लेशन का रोल होता है या हमारे देश का जो लॉ होता है जो पार्लियामेंट बनाती है, ठीक उसी तरह से उसका रोल होता है। उसके बाद है दोस्तों ट्रिटी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने कहा था इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो उसके दो पार्ट हो गए, एक तो थी हमारे पास लॉ मेकिंग ट्रिटी और दूसरा था ट्रिटी कॉन्ट्रैक्ट।
लॉ में इंटिटी के दो पार्ट हो गए, जिसमें से एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन का और एक इंटरनेशनल ट्रिटी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट यानी कि ट्रिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रिटी कॉन्ट्रैक्ट सिंपली मान लीजिए दोस्तों कि दो देश जो हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, जो कि ट्रिटी करते हैं। अब उन दो देशों का जो ट्रिटी का जो फॉर्मूला है वो फेमस हो जाता है, बाकी देश भी धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करने लग पड़ते हैं और धीरे धीरे पूरे देश जो है उसको एक प्रैक्टिस की तरह अडॉप्ट करने लग पड़ते हैं, जो कस्टमरी बन जाता है, जो कस्टम बन जाता है, फिर उसको जो है वो दोस्तों वो अडॉप्ट किया जाता है, फिर वो बनता है एक सोर्स इंटरनेशनल लॉ का। तो यानी कि बिगिनिंग जो हुई थी वो दो देशों ने की थी, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, तीन चार पाँच छः भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशन पर। अभी देखते हैं इंटरनेशनल कस्टम। तो कस्टम जो है दोस्तों वो सबसे पुराना जो एक सोर्स है, सबसे पुराना है, बट आज की डेट में इसकी थोड़ी जो रेलिवेंसी है वो कम हो गई है। कम इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल ट्रीटी आ गई हैं, कन्वेंशन आ गई हैं, तो इसका रोल जो है थोड़ा कम हुआ है, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और जो ICJ का आर्टिकल 38 है उसमें इसका सेकंड प्लेस है एज अ सोर्स फॉर द इंटरनेशनल लॉ। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो कस्टम है, जैसे कि हम सिंपली बात करें प्रथा जो है वो बड़ी धीरे धीरे डेवलप होती है, मतलब उसको कुछ टाइम लगता है, फिर काफ़ी टाइम के बाद वो मैच्योर होती है और काफ़ी टाइम के बाद उसको एक कस्टम के तौर पर माना जाता है। तो उसमें दोस्तों हम सबसे पहले कस्टम और यूसेज, ये दो टर्म्स आते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, तो इनको समझने की कोशिश करेंगे कि कस्टम और यूसेज USAGE इसमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये यूसेज है उसको कहा जाता है प्री स्टेज ऑफ द कस्टम। यानी कि मान लीजिए अगर कोई आज आदमी किसी चीज़ की शुरुआत करता है जो कि 100 साल बाद जाके कस्टम बनता है, तो आज जो उसकी शुरुआत है और आने वाले 2-4 सालों तक उसे माना जाएगा यूसेज। फिर जब वो मैच्योर हो जाएगी और सभी उसकी देखा देखी करने शुरू करेंगे और एक तरह से फिर वो बाइंडिंग मानना शुरू कर देंगे कि भाई अब जो है ये करना ही है, जैसे रिचुअल होते हैं, कई रिचुअल होते हैं, कई ट्रेडिशन होते हैं, तो फिर वो बन जाता है कस्टम। यानी यूसेज जो है वो कस्टम की पहली स्टेज है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही कस्टम आता है यूसेज गायब हो जाती है। यूसेज और कस्टम जो है एक साथ नहीं हो सकते। यूसेज जो है दोस्तों वो कस्टम की फोर्स नहीं रखती है, यानी कि उनको सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ नहीं माना जाता है। और हर यूसेज जो है वो कस्टम बन जाए ये भी ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि वो 2 साल बाद स्टॉप हो जाए, 3 साल बाद स्टॉप हो जाए, जिसको कोई फॉलो नहीं करे। ठीक है जी, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा और इसका जो डिफरेंशिएशन है उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये है दोस्तों यूसेज से कस्टम बनने का सफ़र। और जब कस्टम बन जाता है तो फिर बाकी सभी लोग जो है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और वो एक सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ जो है बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों यूसेज के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं दोस्तों जिससे कि कस्टम जो है वो डेवलप होता है इंटरनेशनल लॉ में। उसमें पावर्स आती है, उसमें पॉलिटिक्स आती है, उसमें जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी आता है, उसमें और बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। यानी कस्टम, जैसे कि हम सिंपली कस्टम कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो उसको मिलकर उसकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। इसमें दोस्तों एक और टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ओपिनियो जोरिस सीव नेसेसिटेटिस। ये जो है एक लैटिन टर्म है दोस्तों, ये जो है ये कस्टम पर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट की जाती है और कई बार इस स्पेशल टर्म को पूछ भी लिया जाता है कंपटीशन में, याद रखिएगा। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई कस्टम तब तक पूरी तरह मैच्योर नहीं होता जब तक कि वो ओपिनियो जोरिस साइब नेसेसिटेटिस जो है इसका जो टेस्ट है उसको पूरा नहीं कर सकता। इसमें क्या टेस्ट है दोस्तों, इसमें ये टेस्ट है कि जब भी कोई इंटरनेशनल कस्टम बनता है तो उसको जो सभी स्टेट्स हैं उनसे रिकॉग्नाइज होना होता है। ठीक है, लीगली उसकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 2-4 स्टेट किसी कस्टम को फॉलो कर रही हैं और बाकी जो स्टेट हैं उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, तो वो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, ये तो हम मानते हैं क्योंकि वो कस्टम नहीं बन पाए। पर अगर मान लीजिए 10 15 20 25 30 स्टेट जो है उसको फॉलो कर रही हैं पर उसकी लीगल वैलिडिटी जो है वो जो है उसको नहीं ग्रांट की जा रही है, कि लीगली उसको नहीं माना जा रहा है कि ये कस्टम है, तब भी वो जो है कस्टम नहीं बन पाएगा। जो ओपिनियो जोरिस साइड नेसेसिटेटिस का जो उसका टेस्ट है वो उस पर इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो कंडीशन है वो ये है कि आपका जो भी कस्टम है, जो भी यूसेज है, या कोई भी इस तरह का ट्रेडिशन है, वो लीगली जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए सभी स्टेट की नज़र में। तो चलिए दोस्तों अब कस्टम के कुछ और फीचर्स देखते हैं कि और क्या क्या क्वालिटी होती हैं कस्टम के अंडर। तो पहली जो क्वालिटी होती है दोस्तों कस्टम की वो ये है
कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन में आता है, यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको कि कस्टम जो है वो बहुत टाइम से परफॉर्म किया तभी वो कस्टम बनता है। कोई प्रथा एक दिन दो दिन दस दिन में प्रथा नहीं बनती, उसको सालों लग जाते हैं, सदियाँ लग जाती हैं। दूसरी इसकी खासियत है दोस्तों यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, जैसे मान लीजिए आज अगर जो कस्टम जैसे परफॉर्म किया जा रहा है वैसे ही उसको आगे भी चलना होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी लगातार चलना, ऐसा नहीं है दो साल कोई आपने बिहेवियर किया और अगले दस साल बंद कर दिया फिर अगले दस साल के बाद, वो भी नहीं होना चाहिए। एक रूपता और लगातार उसका काम करना, ये दोनों जो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी ये भी कस्टम के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके बाद है जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि वो सभी के द्वारा जनरलिटी जनरली यानी कि आमतौर पर उसे प्रैक्टिस में लाया जाता है, उसको परफॉर्म किया जाता है तो तभी कस्टम बनेगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसे किसी ओकेजन पर परफॉर्म करेंगे या बड़ा रेयर परफॉर्म करेंगे तो वो कस्टम नहीं बन सकता। और फोर्थ है दोस्तों ओपिनियो जुरिस साइव नेसेसिटी, यानी कि लीगली जो उसकी वैलिडिटी है वो होनी चाहिए, अदरवाइज वो कस्टम नहीं बन सकता। एक कस्टम को किस तरह से केस पर अप्लाई किया जाता है दोस्तों, इसके लिए आप केस लॉ देख सकते हैं। वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस आर 1905 का केस है। उसके बाद है पुर्तगाल वर्सेस इंडिया 1960 का केस। ये दो केस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ये कस्टम से ही रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकग्नाइज बाय द सिविलाइज स्टेट। तो ये दोस्तों वो प्रिंसिपल है जो सिविलाइज स्टेट जो है उनको रिकग्नाइज करती हैं, या स्टेट जो हमको रिकग्नाइज करती हैं, ये वो प्रिंसिपल हैं दोस्तों जिनको कि लगभग सारी स्टेट जो है उनको रिकोगनाइज करती हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पास ये होता है ऑडियल ट्रम पार्ट हेयर द अदर पार्टी नेमोजिडक्सिटी और सुअकाजा, कोई भी आदमी अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। लॉ ऑफ स्टॉपल जो है वो भी अप्लाई किया जाता है, लॉ ऑफ रेस्टडी काटा जो है उसको भी अप्लाई किया जाता है, यानी कि हम सिंपली कहें कि वो सभी जो रूल्स रेगुलेशन जो कि कॉमनली हर देश के जुडिशियल सिस्टम में फॉलो की जाते हैं वो जो है उनको कहते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट। तो ये जितने भी प्रिंसिपल होते हैं दोस्तों ये अपने आप ही नहीं बन जाते हैं इंटरनेशनल लॉ का सोर्स। इसके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए कि ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इनको अप्लाई करे, तब ये बनते हैं, अपने आप ये नहीं बनते हैं। और इनकी एप्लीकेशन दोस्तों तब की जाती है जब किसी केस पर या किसी पॉइंट पर ना तो ICJ के पास कोई कन्वेंशन है, ना ट्रिटी है, ना कोई कस्टम है, ठीक है, तब इनकी अप्लाई की जाती है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं की जाती। यानी कि अगर वो जो केस है जिनके सामने उसको इंटरनेशनल कन्वेंशन से डील किया जा सकता है, उनको कस्टम से डील किया जा सकता है, तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब ना तो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ना कस्टम है, तो फिर इनको देखा जा सकता है, उनको अप्लाई किया जा सकता है। इसमें दोस्तों हमारे पास कुछ केस लॉ है इंटरनेशनल कस्टम पर, उनको आप एक नज़र देख लीजिए। तो पहला तो है इसमें दोस्तों मैवरोमैटिस प्लेस्टाइन कंसेशन केस 1964। दूसरा है दोस्तों टेम्पल ऑफ प्रीह विहर 1962। उसके बाद है दोस्तों बार्सिलोना ट्रैक्शन केस 1964। और नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट आर वर्सेस केन 1876। तो पहला जो केस था दोस्तों उसमें प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन डील किया गया था, दूसरे केस में प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल डील किया गया था, तीसरे केस में अगेन प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, और चौथे केस में दोस्तों जस्टिस इक्वालिटी। तो नेक्स्ट है दोस्तों जुडिशियल डिसीजन और ज्यूरिस्टिक वर्क। पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये जो पॉइंट है फोर्थ यानी कि डी, वो सब्सिडरी सोर्स है और इनडायरेक्ट सोर्स है, पहली तो बात ये। दूसरी बात ये दोस्तों कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं वो जो हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए सोर्स नहीं माने जाते हैं। दोस्तों जो ICJ है यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो अपने ही डिसीजन को बाइंडिंग नहीं करता, यानी कि प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं करता है। हालांकि वो ऐसा करता नहीं है कि अपने प्रेसिडेंट को नकारे, पर वो ऐसा करने के लिए बाइंड नहीं है, पहली बात। इसी बात के लिए यानी कि जब कोई कोर्ट अपने ही डिसीजन को नहीं मानता है तो वो फिर किस तरह से एक सोर्स बन सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसमें दूसरी बात दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तो नहीं होंगे पर जो कंट्रीज़ के कोर्ट हैं यानी कि जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी, उसके जो डिसीजन है वो एक सोर्स ऑफ लॉ हो सकते हैं। और इसके साथ है दोस्तों ज्यूरिस्टिक वर्क, यानी जजेस जो हैं उनकी राइटिंग्स यानी बुक्स वगैरह अगर लिखते हैं इस पर इंटरनेशनल लॉ पर, तो क्या वो सोर्सेज हो सकती हैं। वैसे उसको इतना ज़्यादा वेटेज तो नहीं दिया गया है, तो फिर भी एक इंस्पिरेशन जरूर हो सकती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए डिसाइड करने के लिए, कुछ ना कुछ वहाँ से दिया जा सकता है या एक इंस्पायर्ड कुछ काम किए जा सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारे पास एक और केस लॉ है, पैकेट हवाना केस है जो 1900 यानी कि 1900 का है।
इसमें दोस्तों जो जुरिस्ट के वर्क हैं उस पर स्ट्रेस दिया गया था कि भाई ये भी जो है एक तरह से इंस्पिरेशन हो सकते हैं या सोर्स बन सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये 38 का पार्ट नहीं है, ये आर्टिकल 38 का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 38 का पार्ट एक तो ये है, दूसरा जो आर्टिकल 38(2)(x)(aequo)(et)(bono) है। तो दोस्तों जो डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारे पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है कई तरह के, यूनिसेफ है, ILO है, WHO है, WTO है, इस तरह से कई ऑर्गन्स हैं हमारे जो इंटरनेशनली काम करते हैं, तो उनके जो डिसीजन और डिटर्मिनेशन होते हैं दोस्तों वो भी हेल्प कर सकते हैं एज अ सोर्स फॉर डिसाइडिंग इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है दोस्तों उसने भी कई मौक़ों पर इन सभी जो ऑर्गन्स हैं उनका डिसीजन जो है मेंशन किए हैं, यह इनका जो भी आउटपुट होता है उसको वो डिसाइड करने में मदद करता है और उसको उसने यूज़ किया है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूज़ किया है और इसीलिए वो मानता है कि ये भी जो है एक सोर्स है। हालांकि इसका जो मेंशन है वो आर्टिकल 38 में नहीं है, पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स है, स्पेशली जब यूनाइटेड नेशन जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई और उसकी कई तरह से जो ऑर्गन्स हैं उसकी संस्थाएँ जो थी वो बना दी गई। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास आर्टिकल 38(2) जो कि 38 का ही पार्ट है, (x)aequo(et)(bono) यानी कि इनजस्टिस एंड गुड फेथ। अब ये है दोस्तों एक ऐसी सिचुएशन जो कि सोर्स हो सकती है जहाँ से कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंस्पिरेशन ले सकता है, जो उसको थोड़ा सा मदद मिल सकती है, पर इसकी कंडीशन क्या है दोस्तों? इसकी कंडीशन ये है दोस्तों कि पहली बात तो ये है कि ये जो सिचुएशन है ये पार्टीज़ की कंसेंट से ही अप्लाई की जाती है। दूसरी बात यह है कि किसी लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, ये जो डिसाइड करती हैं केस को वो इनजस्टिस एंड गुड फेथ, यानी कि दोनों पार्टीज़ को सुन के समझ के उनको समझा बुझा के तभी ये डिसाइड किया जाता है और इसमें किसी तरह का कोई लॉ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो ये इसको कह सकते हैं कि ये कंप्रोमाइज एंड नेगोशिएशन के ही प्रोसेस से मिलता जुलता है। इसके बाद है दोस्तों कुछ सम अदर सोर्सेज जिनको कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एज अ सोर्स ले सकता है और डिसीजन दे सकता है, वो है इंटरनेशनल कमिटी। इनको दोस्तों रूल ऑफ इंटरनेशनल कमिटी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे दो देश जो हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ एक दूसरे को कंसेशन देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका जो है कनाडा से पासपोर्ट नहीं लेता है, कनाडा जो है अमेरिका वालों का पासपोर्ट नहीं लेता एक दूसरे के आने जाने की, तो वो उनका रूल्स हैं वो अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी कर्टिसी शो करने के लिए, एक दूसरे को शिष्टाचार शो करने के लिए एक दूसरे को देते हैं, तो वो भी जो है वो एक सोर्स हो सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों स्टेट पेपर्स, ये जो डिप्लोमेट होते हैं यानी एम्बेसडर जो होते हैं एक दूसरे के देशों में, वो जो लिखते हैं, उनकी जो कार्रवाई होती है, वो जो एक दूसरे के बारे में लिखते हैं, वो भी जो है जो सोर्सेज हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ में। नेक्स्ट दोस्तों स्टेट गाइडेंस फॉर देयर ऑफिसर, यानी कि ये जो स्टेट्स के होते हैं जो उनके एडवाइज़र होते हैं, लीगल एडवाइज़र होते हैं, ये उनके बारे में कह रहा है, जो लीगल एडवाइस करते हैं लॉयर्स वगैरह जो हैं स्टेट को, उनकी जो लीगल एडवाइस है वो भी हो सकती है एक सोर्स। उसके बाद है दोस्तों रीजंस, ये दोस्तों तब आता है जब किसी भी तरह का कोई रूल्स, कोई कस्टम, कोई लॉ मेकिंग ट्रीटी, कोई किसी तरह का कुछ भी नहीं है कोर्ट के पास, तो फिर कोर्ट रीजंस के बेस पर यानी अपना दिमाग जो है अप्लाई करके किसी सिचुएशन को या किसी केस को डील कर सकता है। उसके बाद है दोस्तों इक्विटी एंड जस्टिस, जैसे कि सिंपल है कि किसी चीज़ को इक्विटी मीन टू गिव एवरीवन हिज ड्यू, हर आदमी को उसके प्रॉपर जो उसका जो अधिकार देना है उसको कहते हैं इक्विटी, एंड जस्टिस न्याय यानी कि फेयरनेस, रीजनेबलनेस और फेयर प्ले, और उनको जो है वो कोर्ट मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को डिसाइड कर सकता है।